राधे की रिलीज से पहले सलमान खान ने अपने फैंस से एक वादा मांगा है। क्या कहना है सलमान का, मैं हिना कुमावत फर्मेंडो पे आपको बताऊंगी। कल 12 बजे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, पेड पर व्यू पे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भी देख सकते हैं। रात को दुबई में इसका डिजिटल प्रीमियर है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए, नो पायरेसी टू एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो पायरेसी है वो नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं ओटीटी पर फिल्म रिलीज होने की वजह से इसकी पायरेसी होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन सलमान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कमिटमेंट की थी, मैं चाहता हूँ कि इस कोरोना के काल में फैंस के चेहरों पर हंसी आए, इसलिए मैं नुकसान झेलकर अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिल्म ज़रूर रिलीज करूँगा। और इसी तरह का कमिटमेंट उन्होंने आपसे भी मांगा है कि कोई भी पायरेसी नहीं होगी, इस बात का वादा कीजिए। आप सभी जानते हैं कि थिएटर गाइडलाइंस की वजह से ये फिल्म जो है ऐसी जगहों पर रिलीज नहीं हो पाएगी जहां पर अभी थिएटर नहीं खुले हैं। और इसके बाद जो ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है उसमें भी जो इसके डिजिटल राइट्स गए थे उसके बाद उसको भी काफ़ी कम कर दिया गया था, क्योंकि जो समय चल रहा है उसमें कोई भी फिल्म जो है फिलहाल उतने पैसों पर बिक नहीं रही। तो अब सलमान खान ने आप सभी से एक कमिटमेंट मांगा है कि इस फिल्म की कोई पायरेसी नहीं होगी। तो सलमान खान ईद पर आप सभी को ईदी जरूर दे रहे हैं, लेकिन बदले में आप लोगों से भी एक ईदी मांग रहे हैं। और इस बात को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ भाईजान, हम जो है पायरेसी नहीं करेंगे, बहुत अच्छा है जो आपकी फिल्म हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से सलमान खान ने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले आप सभी से ईदी मांगी है।